हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, लास्ट हम जो वीडियो है डिस्पेंसर मोल्ड के बारे में डिस्कस किए थे, आपको मैं सारा कुछ दिखाया था डिस्पेंसर मोल्ड के बारे में, और कुछ लोग को मैंने शेयर भी किया था डिस्पेंसर जो मोल्ड है। तो आज जो है हम ट्रिगर मोल्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको ट्रिगर में कितना पार्ट आएंगे, कौन सा सिस्टम कैसे होगा, गियर रिजेक्शन कैसे होगा, ट्रिपलेट मोल्ड उसमें कैसे होगा, तो सारा कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और जिसको भी ये डिजाइन वगैरह परचेस करना है वो डायरेक्टली मेरे नंबर पर जुड़ सकता है, वो मैं डिजाइन वगैरह शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कितना पार्ट है। तो इसमें दोस्तों जो है आपके 9 पार्ट मिलेंगे। इसका मैं आपको सेक्शनिंग वगैरह देख के दिखाता हूँ। तो ये है मेरा सेक्शनिंग वाला वीडियो, ठीक है, आप देख पा रहे हो सारा सेक्शनिंग वगैरह है, पार्ट में कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। स्कैन फाइल है, सारे आपको स्कैन फाइल मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो अभी जो है मैं आपको एक एक करके इसकी सारा मोल्ड दिखाता हूँ। इसमें आपकी 2 स्प्रिंग आएंगे, एक छोटा वाला, 2 बॉल आएंगे। इसमें सारा कुछ मैं आपको फोटो वगैरह शेयर कर दूंगा। और जो लास्ट हमने डिस्पेंसर बनाया था, जो डिस्पेंसर की मोल्ड बनाया था, उसका भी मैं ट्रायल वीडियो वगैरह और फोटो वगैरह मैं लास्ट में दिखा दूंगा आपको, जो हमने ऑलरेडी बनाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मेरा कंपोनेंट है, जो मेरा लीवर है जिसमें हम लोग प्रेस करते हैं, तो इसकी आप देख पा रहे हो, ये प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट की आपको मैं मोल्ड दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये इसकी प्रोडक्ट की मोल्ड दिख जाएगी सारा तरफ से, आप देख रहे हो ये आपके मोल्ड मिल जाएंगे। इसमें कूलिंग वूलिंग अलग तरीके से कूलिंग है, आपको पता लग जाएंगे बाद में। सारा कुछ जो प्रोडक्ट मिलेंगे, जो भी आपको डिजाइन मिलेंगे, ट्रायल प्रूफ मिलेंगे, कुछ अलग से आपको करना नहीं होगा। आप देख पा रहे हो सारा तरफ से, तो ये आपको 28 KBT का मिल जाएगा, ठीक है। सारा कुछ सिस्टम इसमें रखा है, अलग से आपको कुछ नहीं करना है, तो ये आपको मिल जाएगा इसमें। तो दोस्तों, सेकंड जो मेरा कंपोनेंट है, जो आगे का आपकी कैप है, जो हमने 11 में बनाया है, ठीक है। तो ये आपके 3-प्लेट मोल्ड में मिलेंगे, जो आप देख पा रहे हो 3-प्लेट मोल्ड में। किसी को अगर 2-प्लेट मोल्ड में भी चाहिए, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। 2-प्लेट मोल्ड में भी चाहिए, आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर देख रहे हो आप, जैसे यहाँ पे 11 रिजेक्शन मैंने डाला हो, किसी को अगर स्लीप या आपको स्टीपर रिजेक्शन वगैरह भी चाहिए, वो भी आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। वो भी आपको कस्टमाइज डिजाइन मिल जाएगा, आपको जिसको भी चाहिए वहाँ पे कस्टमाइज करवा सकते हैं अपना डिजाइन। तो दोस्तों, थर्ड जो मेरा पार्ट आएंगे, जो मेरा बड़ी वाली पार्ट है, जिसमें आप देख पा रहे हो थ्रेड भी है, अंदर ग्रूव भी है, और यहाँ पे आपका एंगल स्लाइडर वगैरह भी चलेगा। मैं इसके मोल भी आपको दिखाता हूँ। तो ये भी हमने 2 KBT में बनाया, ये भी 4 KBT में बनाओगे तो बहुत बड़ा मशीन चाहिए आपको, तो हमने 2 KBT में बनाया इसको। तो ये आपका जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये भी अवेलेबल है, ट्रायल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएंगे अभी, ठीक है। तो मैं आपको इसका भी दे दूंगा, आपको ये भी मिल जाएंगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम है थोड़ा अलग तरीके से कूलिंग होगा, ठीक है। इसका इजेक्शन सिस्टम भी थोड़ा अलग होगा, जो थोड़ा यूनिक है, इसमें भी आपको पता लग जाएंगे, पर पीस देख के आपको पता लग जाएगा थोड़ा यूनिक डिजाइन है। तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारा कुछ चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगे अलग से। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट मेरा कंपोनेंट आएंगे, ये वाला कंपोनेंट है जो आपकी लीवर बार के नीचे लगता है, जो पुश करने में काम आती है, पीपी का बनता है। आप ये आपको 72 KBT का मिल जाएगा, ठीक है। ये मोल मेरा भी ट्रायल हो गया है, तो आपका इसका भी आपको 72 KBT का मिल जाएगा। तो ये आपको पीपी में मिलेंगे, सारे सिंकेज वगैरह मैं डिटेल दे दूंगा, मोल की आपके सारे 3D वगैरह आपको इसमें मिल जाएगा, अलग से आपको कुछ करना नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, आपको नेक्स्ट कंपोनेंट जो मिलेंगे, आपको ये वाला मिलेंगे जो आपकी पी में बनती है ज़्यादातर। तो ये आपका 72 KBT का मिल जाएगा। आप ये मोल देख पा रहे हो, इसके आपके सारा मिल जाएंगे, वो 72 KBT का आपको इसकी मोल मिल जाएंगे। कूलिंग वूलिंग आपकी गेटिंग वगैरह सब कुछ रेडी मिलेंगे, अलग से आपको करना कुछ नहीं होता इसमें। तो ये पूरा डिजाइन जो है आपको मिल जाएगा पूरा 3D में, ठीक है। अगर इसमें कुछ कस्टमाइज करना है अपने हिसाब से, अगर आपको सेंस करना है कि मुझे इतने के बेटी का चाहिए, वो भी हो जाएगा आपको। अगर आपको पीस चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, अभी मोल चल रहा है मेरा, अगर आपको प्रोडक्शन चाहिए आप ऑर्डर बुक करवा सकते हो, आपको अपना 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 ऑर्डर बुक कर सकते हो, तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, ये वाला है जो आपकी मेन बड़ी पार्ट की जो नीचे से लगती है, पीपी का आता है ये। तो आपकी इसकी जो मोल्ड है 32 KBT का मोल्ड मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हर एक मोल्ड पे आपका अलग अलग इजेक्शन सिस्टम है, अलग अलग मेथड है कूलिंग का, ठीक है। तो इस मोल्ड पे भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे, जैसे किसी में गियर है, किसी में आपकी स्लीप है, किसी में आपको स्टीपर है, तो मोल्ड वाइज आपको अलग अलग इजेक्शन सिस्टम मिलेंगे। तो दोस्तों, जिसको भी अगर आपको कस्टमाइज करवाना है, आपको मोल छोटा वाला करना है, केबीटी कम ज़्यादा करना है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसी का मशीन जो मैं स्टैंडर्ड बनाया हूँ, तो एक जो बेस है तो उसको लेके बनाया हूँ,
कि आपकी अबरस जो मशीन है उसमें चल जाए। अगर आपके हिसाब से कस्टमाइज वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, आपको ऑर्डर देना होता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर इसको आपको प्रोडक्शन वगैरह सही है अभी से आप बुक कर सकते हो, आपको प्रोडक्शन वगैरह मिल जाएंगे, मोल की प्रोडक्शन हो रहा है, जितना क्वांटिटी सही है अपने हिसाब से आप प्रोडक्शन सेट कर सकते हो। तो दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट कंपोनेंट है ये है आपकी जो आगे फेगुअम क्रिएट करता है जिसमें, तो इसका जो है मैं 24 KBT का बनाया हूँ। अब देख पा रहे हो यहाँ पे ये मेरे मोल्ड है, तो इसमें स्लाइडर चलेगा, 24 KBT का बनेगा ये, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें भी सारा कूलिंग वगैरह गेटिंग वगैरह सब कुछ करके रखा है, आप देख पा रहे हो, तो सारा रेडी है, तो ये भी आपको 24 KBT में मिल जाएंगे आपको। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है तो मेरा ये वाला है, ये जो है आपके आगे लगता है जो नजल है उसके अंदर, एक प्लास्टिक की आपकी सिलेंडर जैसा आता है इसके अंदर लगता है ये। तो ये जो है आपको ये वाला डिजाइन है इसकी 64 KBT का आपको मिल जाएंगे। इसमें सारा कूलिंग वूलिंग हो रखा है, गेटिंग वगैरह सब कुछ सेट है, अलग अलग मेथड से हमने कूलिंग वगैरह भी किया है इसमें, तो सारा आपको इसमें मिल जाएंगे 64 KBT का आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो हमने 28mm की जो डिस्पेंसर पंप बनाया था, तो इसकी जो ट्रायल पीसेज वगैरह है तो अलग अलग हमने ट्रायल करके देखे थे, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारा जो है अलग अलग से आपको मिल जाएंगे इसमें। तो ये आप देख पा रहे हो सारा जो है मोल्ड पे चला हुआ है, ठीक है ना, ये आपकी प्रोडक्शन है, तो सारा तरफ से कोई किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो आपको भी ये जो है ट्रायल प्रूफ भी मिलता है, जो भी डिजाइन चाहिए इसकी ट्रायल डिजाइन ही है, प्रूफ मिलेंगे आपको।